नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर थ्री एजुकेशन में। और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल चीज़ लेकर आया हूँ हिंदी पेडागोगी में। मॉक टेस्ट नंबर आज का पहला चलेगा, जिसमें आपके 1000 प्रश्न रहेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। क्या रहेंगे आपके 1000 क्वेश्चन रहेंगे चैप्टर वाइज। मैं आपको रोज़ 15 क्वेश्चन कराऊँगा चैप्टर वाइज। अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो जल्दी से कमेंट कर देना, तो मैं आपके लिए रोज़ चैप्टर वाइज 15 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। देखो मैं आपको चैप्टर भी बता देता हूँ आज। पहला है भाषा शिक्षण, आपका पूरा सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाएंगे आज। भाषा शिक्षण, लेखन शिक्षण, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य, मातृभाषा में उसकी महत्ता, मौखिक भाषा शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, वाचन शिक्षण, भाषा शिक्षण और दृश्य श्रव्य साधन, उसके बाद निदानात्मक उपचारात्मक परीक्षण, और एक और रहेगा हिंदी में मूल्यांकन प्रणाली। ये आपके पूरे 10 चैप्टर रहेंगे। कितने? ये आपके पूरे 10 चैप्टर रहेंगे। एक चैप्टर में आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे। लगभग मैं आपको 1000 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो ऐसा का ऐसा हिंदी का है, ऐसा का ऐसा मैथ्स पेडालॉजी का रहेगा, वो भी चैप्टर वाइज। वो भी मैं आपको बता दूंगा ये चैप्टर रहेंगे आपके। 1000 दोनों क्वेश्चन रहेंगे हिंदी पेडागोगी के और मैथ्स पेडागोगी के। इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं जाएगा। मैं सारे क्वेश्चन एक साथ आपको चैप्टर वाइज करा दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ये ऐसे चैप्टर वाइज क्लासेस चाहिए तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपके लिए 15 क्वेश्चंस डेली चालू कर वीडियो आया करेगा। क्योंकि आप ज़्यादा लोग देखते नहीं हो, 200-300 लोग देखते हो, तो इससे क्या है कि हमको फिर मज़ा नहीं आता है आगे आगे नए नए क्वेश्चन निकालने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट और लाइक करें, है ना। तो आज से अपन पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 1 का। आज अपन 15 क्वेश्चन करेंगे। आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में करना है, और मैं आपको इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आपको 1000 क्वेश्चन की पूरी PDF, 15-15 क्वेश्चन की डेली क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी। तो आज आप शुरू करते हैं अपन। पहला चैप्टर है अपना हिंदी पेडालॉजी का भाषा शिक्षण, जिसमें आपके आज से 15 क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो आपके हिंदी पेडालॉजी में 15 क्वेश्चन ही आएंगे, तो मैं इसलिए मैं आपको 15-15 क्वेश्चन डेली कराऊंगा। भाषा शिक्षण का पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन, एक भाषा। इसमें आपके 100+ क्वेश्चन रहेंगे हर एक चैप्टर में, तो आपको अच्छे से आपकी हिंदी पेडालॉजी हो जाएगी। आपको कहीं भी जाने की और कौन से भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, मतलब एक जो भाषा है वो शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन है ये 4, बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त कराना, भाषा साधनों का अभाव है, या बहुभाषा कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, बताएं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, के बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती यही है, ऑप्शन नंबर D हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये बताएं, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कौन से स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संबंधों में भाषा का प्रयोग करना, और विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावशाली प्रयोग करना। तो हमारा आंसर क्या होगा? आपने लगा दिया होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ये प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आप वर्णमाला के क्रम को कंठस्थ करोगे तो ये प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। स्पष्टता एवं आत्मनिर्भर के साथ अपनी बात कहना, मतलब स्पष्ट शब्दों में अपनी बात दूसरों को कहना, ये सही है। ध्वनि संबंधों में भाषा का प्रयोग करना
और विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत होगा कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना यह प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब इन चारों में से कौन सा कथन आपको सही नहीं लग रहा भाषा शिक्षण के संदर्भ में, आप इस पे ध्यान देखना कौन सा सही नहीं है। पहला है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। दूसरा है भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्यापन सहायक होता है। और चौथा है समृद्ध भाषा परिवेश आयोजित करने में सहायक होता है। बताएं इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो हमारा आंसर आपने लगा लिया होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर अधिक बल रहता है, ये इसका कथन सही नहीं है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो भाषा शिक्षण में केवल खाली केवल भाषा की शुद्धता पर ही बल दिया जाता है, नहीं उस पर एक एक चीज़ पर बल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, हाँ भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन सहायक होता है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत आंसर होगा, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। ये सब पुराने पेपर में आए हुए हैं तो मैं इसलिए आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम है भाषिक संरचनाओं के जानकारी पर बल देना, संदर्भ में भाषा प्रयोगी की कुशलता पर बल देना, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करना और बोलना कौशल पर बल देता है। बताएं भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम है, कौन सा उपागम है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम है कि संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना। ये तो सबको पता होगा प्लूटो का यह कथन है, प्लूटो ने क्या कहा था कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, मतलब एक छोटा बच्चा है ना वो बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषा सच्चा की ओर संकेत करता है। मतलब प्लूटो ने यह कहा था कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, यह किस भाषा सच्चाई की ओर संकेत करता है। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसमें बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं। दूसरा है बच्चे बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है, बच्चों की भाषा और अपरिपक्व होती हैं। और चौथा है बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। बताएं प्लूटो का यह कथन कहाँ तक सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिससे बड़े सही नहीं समझ पाते, मतलब जो छोटे बच्चे हैं अपनी भाषा में बोलते हैं पर वो जो बड़े हैं बड़े आदमी वो उनको सही ढंग से नहीं समझ पाते, इसलिए कहा था प्लूटो ने कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। अगला क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में कहानियाँ मनोरंजन का साधन है, पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना और चिंतन विकास की संभावनाएं खुली होती हैं और भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। बताएं इसका आंसर क्या होगा। भाषा की कक्षा में कहानियां, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना और चिंतन विकास की संभावनाओं के लिए होती हैं। क्या भाषा की कहानियाँ काई के लिए होती हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना और चिंतन विकास की संभावनाओं के लिए। अगला क्वेश्चन, आपके डेली हिंदी पेडागोजी का जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 2 AM पे, ठीक है। उसके बाद आपके हिंदी ग्रामर के 30 क्वेश्चन वो आएंगे आपके पास 5 डेली। उसके बाद आपके पास रात को आएगा 10 एक वीडियो जिसमें रहेगा आपका गणित का, है ना। उसके बाद पूरे शेड्यूल मैंने आपको वो सेंड कर दिए थे कौन कौन सी क्लासेस किस किस टाइम पे चलती हैं। एक सुबह 4 सोनाली मैडम का वीडियो आता है, उसके बाद 7 विनोद सर का वीडियो आता है, उसके बाद 2 मेरा वीडियो आएगा हिंदी पेडालोजी का, उसके बाद फिर 5 हिंदी ग्रामर का वीडियो आएगा। हिंदी ग्रामर में मैंने आपकी 27 क्लासें करा दी हैं,
उसके बाद आज से आपका गणित पेडालोजी का शाम रात को 10 बजे एक और वीडियो आएगा, वो रहेगा चैप्टर वाइज। अगर आपको ये सब क्लासें पढ़ना हो तो मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, तो मैं आज आपके लिए आज से ये क्लासें चालू कर दूं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं होता है। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंत संबंधित होते हैं। बताएं कौन सा सही नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित नहीं होते, मतलब एक दूसरे के साथ मेल जोल नहीं खाते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। तो हमारा कौन सा सही नहीं है? ये कह रहा है कि सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं, कि हमारा भाषा कौशल के संदर्भ में सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है, मातृभाषा का निरंतर हस्तक्षेप होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, और डी है भाषा के विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। बताएं भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा की अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? विभिन्न क्षेत्र स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, और चौथा है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी के व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, ये द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चोमस्की के अनुसार रिक्त स्थान के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता या व्याकरण के नियमों की जानकारी से। बताएं चोमस्की के अनुसार किसके कारण बच्चे भाषा सीखते हैं? तो चोमस्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है मानक भाषा पर बल, समग्रतावादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार या वर्तने संबंधी गृह कार्य। बताएं। तो हमारा सही आंसर होगा भाषा शिक्षण में अनिवार्य है समग्रतावादी दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है 12वां, भाषा क्या है? विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, और चौथा है नियमों की जानकारी से ही निकलती हैं। बताएं भाषा। तो भाषा एक, आपने लगा दिया होगा, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है? एक नियम के अनुसार चलती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सिखाने का मुख्य उद्देश्य मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, और दैनिक जीवन में हिंदी में समझने में तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। बताएं। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन सारे ऐसे ही आएंगे, आपको अजीब से लगेंगे ये क्या क्वेश्चन है, पर ऐसे ही आएंगे, इसमें समझाने जैसा कुछ है ही नहीं। 13 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सिखाने का मुख्य उद्देश्य यही है, ऑप्शन नंबर डी। ये बताऊं, विकास 1 साल पहले असम से पंजाब आया, कहाँ से आया? असम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है, वह हिंदी भाषा का जो प्रयोग करता है उसमें त्रुटियां करता है, शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? विकास 1 साल पहले असम से पंजाब आया और वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है, तो शिक्षक के रूप में आप किससे किस कथन को सही मानेंगे? 4 ऑप्शन है, उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बुलाने का अभ्यास करेंगे, सुहेल को भाषा प्रयोग से अधिकाधिक अवसर और प्रोत्साहन देना चाहिए,
सुहेल को बार बार उस त्रुटियों के बारे में बताएंगे, और चौथा, सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। बताएं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है कि सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर और प्रोत्साहन देंगे, उसको अधिक से अधिक बताएंगे कि आप यहाँ गलतियाँ कर रहे हो। आज का आखिरी क्वेश्चन है 15। मैं आप कल आपको इसके बाद गद्यांश भी करा दूंगा, आज मैं आपको ये बता रहा था खाली। तो आपको अगर ये सारे आपको करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं कमेंट पढ़ के ही फिर आपके वीडियो बनाऊंगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है भाषा अर्चन, शिक्षा की आवश्यक उपस्थिति की मांग करना, भाषा की कक्षा में ही संभव है, सहज स्वाभाविक होता है और प्रयासपूर्ण होता है, बताएं। तो भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक होता है। हमारी क्लास भी चल रही है ऑनलाइन क्लास, जिसमें आपके चैप्टर वाइज क्लास रहेगी। विनोद सर पढ़ाएंगे आपको मैथ्स, सोनाली मैम पढ़ाएंगे आपको CDP, EVS, श्याम सर पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश, और आपको सारे MPTET सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप उसके लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें 9753 7499 86। आपको जो भी जानकारी चाहिए, आपको क्लास लेनी हो चैप्टर वाइज, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, तो आपको पूरी जानकारी बता दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज आपका चैप्टर 1 मॉक टेस्ट 1 था, जिसमें 1000 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। आपका आज 15 क्वेश्चन रहेगा, एक एक चैप्टर 10 चैप्टर है आपके पूरे। ये देखो, ये पूरे 10 चैप्टर है, इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब आपके 1000 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। आपको इसके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हिंदी पेडोलॉजी का ऐसे ही रहेगा 15-15 क्वेश्चन, मैथ्स पेडोलॉजी में भी चैप्टर वाइज कराऊंगा, उसमें भी 1000 क्वेश्चन रहेंगे, और उसके बाद जो मैंने आपको मिक्स क्वेश्चन कराए वो भी है, मतलब आपके इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये सारी किताबों से मिक्स क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको 2 बजे हिंदी पेडोलॉजी का एक वीडियो देखना है, उसके बाद 5 बजे हिंदी ग्रामर का वीडियो देखना है, और उसके बाद रात को 10 बजे गणित पेडोलॉजी का वीडियो देखना है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जो कमेंट करते हैं उसको लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में, और आज मैं फिर आपके लिए हाजिर हुआ हूँ हिंदी पेडोलॉजी के मॉक टेस्ट नंबर 3 से, जिसमें आपके 1000 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। इससे पहले मैं आपको हिंदी पेडोलॉजी के मिक्स क्वेश्चन करा चुका हूँ, उसमें मैंने आपको 25 वीडियो बना चुका हूँ, उसके बाद गणित पेडोलॉजी के 25 वीडियो बना चुके हैं। अब हमने आपके लिए एक सीरीज चालू करी है, जिसमें आपके ये चैप्टर वाइज सारे चैप्टर रहेंगे, उसमें आपको 15-15 क्वेश्चन डेली कराऊंगा। तो बढ़ते हैं अपने, ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो बिना देरी किए अपन क्वेश्चन करेंगे। ये सारे करा दिए, इसकी PDF भी मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिए। ये लीजिए 31 क्वेश्चन, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं रचना शिक्षण के, 5, 3, 7 या 2, बताएं रचना शिक्षण के कितने गुण होती हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, रचना शिक्षण के 2 गुण होते हैं। कौन कौन से? एक तो लिखित और एक मौखिक, ये 2 गुण होते हैं रचना शिक्षण के। क्या पूछा? रचना शिक्षण के मुख्य रूप से होते हैं 5, 3, 7 या 2, तो रचना शिक्षण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होती हैं, लिखित और मौखिक। अगला क्वेश्चन है ये बताएं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो मैंने आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन निकाले। एक चैप्टर में मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा, आपके 10 चैप्टर 1000 क्वेश्चन ये, और 500 क्वेश्चन, मतलब 1500 क्वेश्चन आपके हिंदी पेडोलॉजी के हो जाएंगे, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CBSE ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू की, बताएं CBSE ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू की थी, 2010-11, 2009-10, 2009 या 2008। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2010-11 में 10वीं बोर्ड में सतत एवं मूल्यांकन प्रक्रिया लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भाषा में बिंब होते हैं, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने नंबर आए, बताएं ये क्वेश्चन बताएं।
क्योंकि आपको बहुत टाइम हो गया तैयारी करते करते, अब तो आपके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। भाषा में बिंब के प्रकार हैं, बताएं भाषा है उसमें बिंब के कितने प्रकार हैं, 1, 2, 3 या 4, बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिंब के 4 प्रकार होते हैं। भाषा में बिंब के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। पहला दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब, ये 4 प्रकार के होते हैं। भाषा में बिंब के कितने प्रकार होते हैं, तो भाषा में बिंब के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ये बताएं विचारों के अच्छे व्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में होती है, विचारों की अच्छे व्यक्तित्व किस प्रकार के प्रश्नों में होती है। जो अपन विचार करते हैं उसमें अच्छे व्यक्तित्व किस प्रकार के होते हैं, वस्तुनिष्ठ, अच्छा विचारों के अच्छे प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों में होते हैं, ये व्यक्ति नहीं वस्तुनिष्ठ, अति लघुरात्मक, निबंधात्मक और चौथा है लघुरात्मक, बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निबंधात्मक। विचारों में अच्छे व्यक्तित्व प्रश्नों में होती हैं, निबंधात्मक प्रश्नों में होती हैं। अगला क्वेश्चन है ये बताएं किसके मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया, किसने मूल्यांकन, ये है देखो टाइप करने में गलती हो जाती है, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया, ब्लूम, खेतवाल, हर्बर्ट या मॉरिसन, बताएं। तो इसका सही आंसर होगा ब्लूम ने त्रिमुखी प्रक्रिया बताई है। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया है, तो ब्लूम ने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बचाकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया। कौन कौन से बताइए, 3, ये त्रिमुखी त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया, किसने किया, ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण के रूप में किसने प्रस्तुत किया, ये किया ब्लूम ने। कौन कौन सी, एक तो उद्देश्य, एक मूल्यांकन, एक जाँचकर्ता, ये 3 बताएं, उद्देश्य बताएं, मूल्यांकन बताएं और जाँचकर्ता, ये बताए थे ब्लूम ने त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया, मूल्यांकन, जांचकर्ता और उद्देश्य। देखो मैंने आपको गलत तो नहीं बता दिया, ये त्रिमुखी बताया था, उद्देश्य, मूल्यांकन और जांचकर्ता, ठीक है। और आप एक बार देख लेना, उद्देश्य, अधिगम और जांचकर्ता, ये मूल्यांकन तो बीच में ना, मूल्यांकन में क्यों बोल रहा हूँ, मैंने गलत बता दिया आपको, उद्देश्य, अधिगम और जांचकर्ता, ये है, ये तीनों इसने ब्लूम ने बताई है। अगला क्वेश्चन है 36 का, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए, प्रारंभिक कक्षा, माध्यमिक कक्षा, उच्च माध्यमिक या इनमें से कोई नहीं, बताएं। तो उच्चारण सुधारने का कार्य प्रारंभिक कक्षाओं में करना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कोशिकाओं के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगी, बताएं। प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करके, रेडियो समाचार सुनकर, कहानी सुनकर, उन पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानकर या हाव भाव के साथ कविता कर, बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी सुनकर, उन पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानकर। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कोशिकाओं के विकास के लिए सबसे उपयोगी हैं, तो कहानी सुनकर और उन पर बच्चों की प्रतिक्रिया कर, ये बताएं। भाषा शिक्षण को रिक्त स्थान संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकताएँ, बहुभाषी, आर्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक, बताएं, या इनमें से कोई नहीं, बताएं। तो भाषा शिक्षण को ऑप्शन नंबर ए, भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन बताएं, सस्वर पाठन अच्छा होता है कविता में, गीत में, एकांकी में या उपयुक्त सभी में, बताएं सस्वर पाठन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
सस्वर पाठन कविता में, गीत में और एकांकी, इन तीनों में सस्वर पाठन बहुत ही अच्छा माना गया है। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, बताएं। आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि या कोई नहीं, बताएं। व्याकरण शिक्षण की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण शिक्षण की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है आगमन विधि। ये बताएं 41, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तरीय या सभी स्तर, बताएं। तो हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर ए, अनुकरण विधि प्राथमिक स्तर के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। ये बताएं 42, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है? कविता सुनकर प्रश्न के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, पढ़कर लिखना या इनमें से कोई नहीं, बताएं। सुनने और लिखने की कुशलता आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। देखो पेडालोजी में आपको जो सही लगता है वो सही नहीं होता है, इसमें जो सबसे ज़्यादा बेस्ट आंसर होता है ना वो ही लगाना है अपन को, क्योंकि अब इसमें अपन को पता ही नहीं चलता कि यार ये सही है कि ये सही है, तो आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगे उस पर निशान लगा देना आप। तो ये बताएं इसका आंसर, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पढ़कर लिखना। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है उनको पढ़कर लिखना। अगला क्वेश्चन है, अंत वाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है, बताएं। चोमस्की, वाइगोत्स्की, पावलाव या स्कैनर, बताएं। अंत वाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है? तो अंत वाक्य की संकल्पना वाइगोत्स्की से संबंधित है। देखो मैं इनके बारे में अंत वाक्य की संकल्पना का सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने, ठीक है। चोमस्की ने दिया था भाषा अर्जन सिद्धांत, भाषा अर्जन यंत्र का, ये दिया था चोमस्की ने। पावलाव ने दिया था शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, ये दिया था पावलाव ने। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सक्रिय अनुबंध सिद्धांत दिया था स्किनर ने, ठीक है। ये चोमस्की ने दिया था भाषा यंत्र, वाइगोत्स्की ने दिया अंतवाक का सिद्धांत, पावलाव ने दिया शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत और स्किनर ने कौन सा दिया? सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। मैंने इन चारों के बारे में एक बार आपको बता दिया है, क्योंकि ये सारे CDP में हैं, मैडम ने आपको पढ़ाया होंगे बाल विकास में। अगला क्वेश्चन है 44, ये बताएं, भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है या किससे संबंधित है? स्किनर, वाइगोत्स्की, चोमस्की या पियाजे, बताएं। ये किसने कहा था कि भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, बताएं। तो ये कहा था चोमस्की जी ने, क्योंकि भाषा अनुकरण सिद्धांत इन्होंने दिया था, तो भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, ये कहा था हमारे चोमस्की ने। अगला क्वेश्चन आज का आखिरी है, 15 क्वेश्चन हो गए हैं। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, क्या बोला? सत्य है यहाँ। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, भाषा कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, और डी है भाषा कौशल को साथ लेकर जाते हैं क्रम से नहीं, बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, भाषा कौशल को साथ में लेकर जाते हैं क्रम में नहीं। ये आज मैंने आपको हिंदी पेडालोजी के 15 क्वेश्चन करा दिए, आपके 45 क्वेश्चन ये हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। रोज़ सुबह आपको 8 बजे 15 क्वेश्चन हिंदी पेडालोजी के और 15 क्वेश्चन गणित पेडालोजी के, ये आपको डेली सुबह 8 बजे मॉर्निंग में देखना है। और शाम को आपको कल से हिंदी का एक MCQ चालू हो जाएगी सीरीज, जो उसको आपको कंटिन्यू देखना है, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी ग्रामर से, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और मैंने आपको छंद पढ़ाया है 2 वीडियो में, जिसने नहीं देखा है वो एक बार जाके देख ले। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में, और आज हम वापस से 30 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपके 10 नंबर का व्याकरण रहेगा हिंदी,
प्लस 10 नंबर का गद्यांश पद्यांश रहेगा और 10 नंबर का हिंदी पेडालॉजी रहेगा, जो आपके पूरा एमपी टेट सी टेट और रीट सारी एग्ज़ाम में जो आता है सिलेबस उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो आपके आज 30 क्वेश्चन फिर रहेंगे, 10 नंबर व्याकरण के, 10 नंबर गद्यांश पद्यांश का और 10 नंबर हिंदी पेडालॉजी का। आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और जो भी लोग कमेंट करते हैं उनको धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पद क्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य को हैं, इसमें पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं खेलूँगा पढ़कर, मैं पढ़कर खेलूँगा, खेलूँगा मैं पढ़कर, और ऑप्शन है पढ़कर खेलूँगा मैं। बताएं इन चारों में से कौन सा शुद्ध है। तो हमारा राइट आंसर होगा मैं पढ़कर खेलूँगा। मैं खेलूँगा पढ़कर ये सही नहीं है, खेलूँगा मैं पढ़कर ये भी सही नहीं, पढ़कर खेलूँगा मैं ये भी सही नहीं है, मैं पढ़कर खेलूँगा ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह हैं कितने? 1, 2, 3 या 4? बताएं कितने आयोग वाह हैं हिंदी वर्णमाला में। मैंने आपको वर्णमाला में पढ़ाया था आयोग वाह हैं 2, ऑप्शन नंबर कौन कौन से? अम और अह। आयोग वाह की संख्या कितनी है? 2, अम और अह, ये 2 आयोग है, ऑप्शन नंबर दूसरा। मैंने आपको हिंदी वर्णमाला पूरा पढ़ा है, उसमें क्वेश्चन कराए हैं, तो वो पुराने वाले वीडियो मैंने आपको 26 क्लासें हो गई है, मैंने सारी वीडियो आपको एक बार सेंड कर दी है और गणित पेडालॉजी की सेंड कर दी, आप उनको एक बार देखें जरूर। अगला क्वेश्चन है, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या है? साथ देने वाला, धोखा न देने वाला, धोखा देने वाला साथी या साथ देने वाला दुश्मन। तो आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ है धोखा देने वाला साथी, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर होगा, धोखा देने वाला साथी आस्तीन का सांप का मत होने का अर्थ है। ये बताएं हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं, बताएं हाथी, गज, कुंजर, भानु, रवि, दिनकर, हस्त, कर और पानी या सौरभ, सुरभि, खुशबू। हाथ के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? हाथ का पर्यायवाची हाथी, गज, कुंजर, ये किसका है? हाथी का पर्यायवाची क्या क्या है? हाथी का पर्यायवाची है हाथी, गज, कुंजर और मैं आपको बता देता हूँ हाथी के पर्यायवाची कुंजर, गज, करी, वारण, ये सब हाथी के पर्यायवाची है, ये तो हो नहीं सकता है। ये सूर्य के है भानु, रवि, दिनकर, भास्कर, ये सूर्य के पर्यायवाची है दिनकर, रवि, भानु, भास्कर, आदित्य, सविता, मार्तंड, ये सब है सूर्य के। हाथ का पर्यायवाची ये है हस्त, कर और पानी। तो हाथी का पर्यायवाची, हाथ का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, हस्त, कर और पानी, ये सब हाथी के पर्यायवाची हैं। हाथी के नहीं, सॉरी, हाथ के पर्यायवाची है हस्त, कर और पानी, ठीक है। ये सूर्य के पर्यायवाची रवि, दिनकर, भानु, भास्कर और ये हाथी के पर्यायवाची गज और कुंजर। तो हमारा आंसर क्या होगा? हाथ का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 6? बताएं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा 4। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। आपको आपका ये क्वेश्चन और है, आपको कमेंट बॉक्स में कल कमेंट करना है कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखना है आपको कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है का आंसर बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है, कृपया मुझे वह पुस्तक दीजिए किस प्रकार का वाक्य है? विधिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक या प्रश्नवाचक? बताएं कृपया मुझे वह पुस्तक दीजिए। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधिवाचक। कृपया वह पुस्तक मुझे दीजिए, यह एक विधिवाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास? तो सत्याग्रह में हमारा है तत्पुरुष समास। मैंने आपको समास भी पढ़ाए हैं, पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार वो जाके देख लेना, उसमें आपको मैंने समास पूरा पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है 8वां, वह कारक जो संज्ञा या सर्वनाम से
किसी संख्या का संबंध स्थापित करता है वह क्या कहलाता है? वह कारक जो संज्ञा या सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध स्थापित करता है तो वह क्या कहलाता है? करण कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, संबंध कारक। वह कारक जो संज्ञा सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध स्थापित करता है तो उसे हम कहते हैं संबंध कारक। वह पत्र जो स्मरण करता है, परिपत्र, आदेश, अनुस्मारक या अधिसूचना बताएं। वह पत्र जो स्मरण करता है क्या कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह पत्र जो स्मरण करता है वो कहलाता है अनुस्मारक। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो शब्द किसके आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वो क्या कहलाता है? प्रत्यय, देशी, उपसर्ग या संज्ञा बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जो शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। ये मैंने आपको 10 व्याकरण के क्वेश्चन करा दिए, अब मैं आपको 10 हिंदी पेडालॉजी के क्वेश्चन कराऊँगा, उसके बाद मैं आपको गद्यांश कराऊँगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां, एक अच्छे शिक्षक का मुख्य गुण है क्या है? एक अच्छा संचारक, स्नातक शिक्षा, लोकप्रियता या मनभावन शिष्टाचार बताएं। एक अच्छे शिक्षक का मुख्य गुण क्या है? तो एक अच्छे शिक्षक का मुख्य गुण है एक अच्छा संचारक होना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये मैंने आज पुराना पेपर से लिया हुआ है जो आपके एमपीटेट में आया था, तो उसके क्वेश्चन में करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के शिक्षण में प्रभावशीलता का मुख्य कारक क्या है? एक शिक्षक के शिक्षण में प्रभावशीलता का मुख्य कारण क्या? योग्यता है, अनुभव है, व्यक्तित्व है या विषय का ज्ञान है? बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषय का ज्ञान। एक शिक्षक का शिक्षण में प्रभावशाली का मुख्य कारक है विषय का ज्ञान होना। अगला क्वेश्चन, एक सहानुभूतिपूर्ण संबंध या समझ जो कि एक शिक्षक को उसके छात्रों को बेहतर समझने में मदद करती हैं क्या कहलाती हैं? घनिष्ठता, समानुभूति, सहानुभूति या उदासीनता बताएं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घनिष्ठता। एक सहानुभूतिपूर्ण संबंध या समझ जो कि एक शिक्षक को उसके छात्रों को बेहतर समझने में मदद करती हैं वह कहलाती हैं घनिष्ठता। शिक्षक को रिक्त स्थान होना चाहिए परंतु अत्यधिक नहीं। एक शिक्षक को क्या होना चाहिए परंतु अत्यधिक नहीं होना चाहिए? चार ऑप्शन है, समन्वय विनय, शिक्षार्थी उत्साही, मार्गदर्शन लोकतंत्र या नेता सत्तावादी बताएं। इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, शिक्षक को नेता होना चाहिए परंतु अत्यधिक सत्तावादी नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर ये रहा, करेक्ट आंसर है नेता सत्तावादी। अगला क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, एक शिक्षक वास्तव में कभी भी नहीं सिखा सकता। एक शिक्षक वास्तव में कभी भी नहीं सिखा सकता जब तक कि वह खुद नहीं सीख रहा हो। क्या कहा किसी ने भी कि एक शिक्षक वास्तव में कभी भी नहीं सिखा सकता है जब तक कि वह खुद नहीं सीख रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को प्रकाशमय नहीं कर सकता जब तक कि वह लगातार अपनी लौ में न जले। यह किसने कहा था? एम के गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने या डॉक्टर अंबेडकर ने? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि एक शिक्षक वास्तव में कभी भी नहीं सिखा सकता जब तक कि वह खुद नहीं सीख रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को प्रकाश में नहीं कर सकता जब तक कि वह लगातार अपने लौ में न जले, ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, जब एक अध्यापक शिक्षक कक्षा शिक्षण में उत्साहित होता है तो इसका मतलब क्या होता है? उसने विद्यार्थियों को शिक्षा देने व सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया हो, अपने विद्यार्थियों को ध्यान को केंद्रित रखने के लिए अपना प्रेरणा को छुपाना चाहती हो, तीसरा है वो विद्यार्थियों के साथ अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहती है,
और आखिरी क्वेश्चन है उपरोक्त सभी, बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो सबने लगा लिया होगा उपरोक्त सभी, पर उपरोक्त सभी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। जब एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में उत्साहित है तो इसका मतलब है उसने विद्यार्थियों को शिक्षा देने व सिखाने की प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया है। अगला क्वेश्चन है शिक्षक में युक्त होना चाहिए अपने विषयों का भरपूर ज्ञान, धीरजवंत और समर्पित होना, सिर्फ एक ही काम के योग्य न होना और उपयुक्त सभी, बताएं शिक्षक में युक्त होना चाहिए। शिक्षक में ऑप्शन नंबर चौथा सभी चीज शिक्षक में उपयुक्त होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कक्षा में प्रभावशाली संवाद होना, यदि शिक्षक नोट्स लिखवाने के द्वारा अपनी बातचीत के समय को बचाएं, बने बनाए नोट्स तैयार करें, अचिंतित बात करें या अन्य विषयों से उदाहरण लेकर अचिंतित वार्ता करें, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। कक्षा में प्रभावशाली संवाद होना यदि शिक्षक ऑप्शन नंबर चौथा अन्य विषयों से उदाहरण लेकर अचिंतित वार्ता करें। देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके पेडालॉजी से, तो इसलिए मैं आज आपको एक पुराना पेपर करा रहा हूँ, उसमें आपको आज बताना है 30 में से किसके 30 25 प्लस ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो मैं समझूंगा कि उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, क्योंकि आज ऐसा ही पेपर लिया है मैंने आपके लिए। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान और फिर रिक्त स्थान, संचार के दो तरीके हैं जिन्हें शिक्षक प्रयोग में ला सकता है, व्याख्यान वार्तालाप, शिक्षा परीक्षण, बोलना परामर्श देना या आकलन उत्साहित करना, बताएं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्याख्यान और वार्तालाप संचार के दो तरीके हैं जिन्हें शिक्षक प्रयोग में ला सकता है। कौन कौन से? एक तो व्याख्यान और एक वार्तालाप, ऐसे दो तरीके हैं जो शिक्षक प्रयोग में ला सकता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है ये बता दीजिए, शिक्षक का एक तत्काल परिणाम प्रदर्शित होता है जब विद्यार्थी कक्षा में नोट्स लिखवाना शुरू करें, कक्षा में ध्यान देना शुरू करें या वांछनीय विषय में उनके व्यवहार में परिवर्तन हो और चौथा है एक उपयुक्त नौकरी के लिए चयनित हो, बता। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वांछनीय विषय में उनके व्यवहार में परिवर्तन हो। शिक्षण का एक तत्काल परिणाम प्रदर्शित होता है जब विद्यार्थी वांछनीय विषय में उनके व्यवहार में परिवर्तन हो। आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन व्याकरण के कराएं, 10 क्वेश्चन हिंदी पेडालॉजी कराएं, अब मैं आपको एक पेसेज कराऊंगा 10 नंबर का। ये अभी वर्क 2 की एग्जाम हुई थी उसके पेपर का एक गद्यांश है, मैं आपको एक पूरा पढ़ के बताऊंगा, उसमें से आपको क्वेश्चन आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा इसको, उसके बाद आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो शुरू करते हैं, ये लीजिए क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूँ। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक एक लाइन देखना है, मैं आपको बता देता हूँ। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्ता का दर्शन, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, क्या बढ़ाने पर? उत्पादन बढ़ाने पर चारों ओर जोर है, यह उत्पादक आपके लिए हैं, आपके भोग के लिए हैं और आपके सुख के लिए हैं। ये जो उत्पादक पर जोर दिया जा रहा है ना, ये आपके लिए हैं, आपके भोग के लिए हैं और आपके सुख के लिए हैं। सुख की व्याख्या बदल गई है, क्या बदल गई है? सुख की व्याख्या बदल गई है। आगे क्या कह रहे हैं? सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग भोग ही सुख हैं, मतलब उपभोग है ना, भोग ही सुख हैं। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में, नई स्थिति में क्या आया है? एक सूक्ष्म बदलाव आया है। उत्पादन तो आपके लिए हैं पर आप यह भूल जाते हैं, उत्पादक किसके लिए है? उत्पादक तो आपके लिए हैं पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है, जाने अनजाने में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पादन को समर्पित होते जा रहे हो। विलासिता की सामग्री से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जो तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए, टूथपेस्ट, मतलब जो अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली है ना, उस वस्तुओं को ही लीजिए। अब क्या बता रहा है ये बोल रहा है टूथपेस्ट तो चाहिए, यह दांतों को टूथपेस्ट तो चाहिए,
यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण रक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट, देखो मैं इसलिए बड़ा कर रहा हूँ कि आपको पूरा दिख जाए, वो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, मतलब किसी भी पेस्ट का एक मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर हैं तो कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत हैं तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों से बना है। मैं आपको इसकी PDF दे दूँगा इस गद्यांश की, तो आप एक बार पूरा देख के उसके आंसर कर लेना। खनिज तत्वों से बना है और आगे क्या लिखवा है, जो चाहे चुन लीजिए, यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। देखो एक एक क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है, यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आपको लग रहा है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए एक बार। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह के दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए, मतलब आपने कुछ खाया, आपको मुंह की दुर्गंध आ रही है तो आपको माउथ वॉश भी चाहिए जिससे आपके मुंह में दुर्गंध नहीं आए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी ही चीज़ों का बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापति और कीमती ब्रांड ही खरीदना पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमक कर देने वाली है, हर माह उसमें नए नए उत्पादन जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्दी की खुशबू है, दूसरे में तेज, एक में दिन भर आपको शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सीने स्टार्च के सौंदर्य का राज, मतलब आपको लाए बाय बताते हैं, डेटोल के बारे में पूरा बताते हैं, ये हाथ धो ये, उससे हाथ धो ये, वो रहता है। तो ये इसी के ऊपर एक पूरा आज पैराग्राफ है। यह लीजिए सीने स्टार्च के सौंदर्य का राज, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए लीजिए, महंगी हैं पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30,000-30,000 के सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। यह मैंने आपको पूरा एक गद्यांश पढ़ा दिया है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन बताता हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, इस बदलाव में आपका क्या बदल रहा है और आप किसको समर्पित होना चाहिए? चरित्र और उत्पादन, प्रेम और स्नेह, सौंदर्य और सुख, या जीवन शैली और सुख? बताएं, इस बदलाव में आपका क्या बदल रहा है और आप किसको समर्पित होते जा रहे हैं? इसका आंसर ये रहा। देखो ये क्या पूछा, इस बदलाव में आपका क्या बदल रहा है और आप क्या समर्पित होना चाहते हैं? चरित्र उत्पादन, देखो मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ है, ये रहा। उत्पादन तो आपके लिए, पर आप भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में माहौल में आपका चरित्र बदल रहा है और आप उत्पादन को समर्पित होते जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, चरित्र और उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, ये देखो MPTET अभी वर्ग 2 में सारा ये ऐसा बड़ा बड़ा ही आ गया था, पूरा गद्यांश, एक ही गद्यांश है, एक गद्यांश, इसके एक क्वेश्चन, फिर यही गद्यांश आया, इसके क्वेश्चन। आपको सारे गद्यांश एक साथ नहीं पढ़ना है, आपको एक गद्यांश पढ़ना है और उसी के सारे क्वेश्चन आपको लगाने। ये देखो धीरे धीरे, ये धीरे धीरे एक ही गद्यांश उन्होंने 5 बार लिखा और अलग अलग क्वेश्चन दिए, तो मैं आप एक ही बार गद्यांश पढ़ा है और मैं आपको इसके 10 क्वेश्चन कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता को क्या उपयोग गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपभोक्ता को क्या पूर्ण सुरक्षा देता है? माउथ वॉश, बॉडी लोशन, टूथपेस्ट और रखें टूथब्रश। बताएं उपभोक्ता को क्या पूर्ण सुरक्षा देता है? तो हमारा आंसर ये मिल गया। देखो ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ एक मिनट, ये रहा। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट चाहिए, दांतों की मोती जैसा चमकीला बनाता है, मुंह की दुर्गंध हटाता है, मसूड़ों में मजबूत को पूर्ण सुरक्षा देता है। क्या पूर्ण सुरक्षा देता है? ये आ गया, ये रहा, ये पूर्ण सुरक्षा देता है। क्या? तो टूथपेस्ट। देखो मैं आपको बता देता हूँ, माउथ ब्रश नहीं, बॉडी लोशन, टूथपेस्ट, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन, यदि टूथपेस्ट अच्छा हो तो और क्या अच्छा होना चाहिए? फ्रेश वॉश, शैम्पू, टूथब्रश या माउथ वॉश? तो हमारा आंसर क्या होगा, यदि टूथपेस्ट अच्छा हो तो टूथब्रश भी अच्छा होना चाहिए। ये रहा, यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। चौथा वाला,
किस वर्ग के महिलाओं को ड्रेसिंग टेबल पर कितने कीमत की चीज़ें होती हैं? संभत और 30,000, मध्यम वर्ग और 10,000, निम्न वर्ग और 100 रुपये, उच्च वर्ग और सस्ते। तो टेबल पर 30,000 के सौंदर्य सामग्री होनी चाहिए। 30,000 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, ये संभवत और 30,000। पांचवा क्वेश्चन है, किसमें ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति के मिश्रण का दावा किया है? माउथ ब्रश ने, टूथपेस्ट में, सौंदर्य प्रसाधन में या बॉडी लोशन में? किसने ऋषि मुनियों में, आपको ये अभी देख लेता हूँ इसमें ऋषि मुनि कहाँ है। तो हमारा क्या आंसर होगा, हमारा ये है, कोई ऋषि मुनियों ने किस पे करा है, ये करा है टूथपेस्ट पे। टूथपेस्ट का मैजिक फॉर्मूला बताया ना ऋषि मुनियों ने, तो टूथपेस्ट में ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर होगा। छठा क्वेश्चन, ये देखो पूरा दे रखा है, इसके एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, किसकी भीड़ चमत्कृत कर देने वाली होती है? दुकानदारों की, उपभोक्ताओं की, सौंदर्य प्रसाधनों की या विज्ञापनों की? तो हमारा आंसर क्या होगा, सौंदर्य प्रसाधनों की, ये लिखा हुआ है सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ जो चमत्कृत कर देने वाली होती हैं। आपको सारे क्वेश्चन इसी में मिलेंगे, पर आपको एक बार पढ़ना जरूर है। अगला क्वेश्चन, आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग क्या उपलब्ध है? सौंदर्य प्रसाधन, इनमें से कोई नहीं, तेल और साबुन, बताएं। तो हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर दूसरा। आठवां क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और बचे हैं, कुछ खरीदते समय आप किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे? कम कीमत, बहुविज्ञप्ति और कीमती ब्रांड, मजबूत सामान या टिकाऊ सामान, बताएं। ये इसमें लिखा हुआ है, कहाँ है देखो, बच्चों की माओ में आपको ये, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञप्ति और कीमती ब्रांड, ये रहा कीमती ब्रांड, तो ऑप्शन नंबर बहुविज्ञप्ति और कीमती ब्रांड। अगला क्वेश्चन है नोवा, कौन सा उत्पादन आपको दिन भर तरोताज़ा रखने का दावा करता है? शैम्पू, तेल, साबुन या पेस्ट, बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर तीसरा साबुन। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, तरोताज़ा रखना चाहते हैं, तो यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन, तो ऑप्शन नंबर तीसरा। आखिरी क्वेश्चन है आज का, ये 30 क्वेश्चन हो गए, बाजार किन चीज़ों से भरा पड़ा है? लोगों से, खाद्य सामग्रियों से, सुख से या विलासितों की सामग्रियों से? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, विलासितों की सामग्रियों से। कैसे बना है, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर होगा। ये मैंने आज आपको 10 व्याकरण के, 10 हिंदी पेडालॉजी के और 10 नंबर का एक पैसेज करा दिया। ये आपको आज 30 नंबर का एक बताएं, तो आपको आज इसमें से 25 प्लस नंबर लाने, अगर आपकी अच्छी तैयारी चल रही है तो आज आपके 25 प्लस नंबर आएंगे इसमें, क्योंकि आज मैंने आपको ऐसे ही टफ क्वेश्चन कराए थे, तो आपके आज 25 प्लस आएंगे। और एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगे, आप इसका नोटिफिकेशन नहीं आए तो आपको डेली 2 बजे वीडियो देखना है। आपको वीडियो कैसा लगे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।